जय हिंद एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आर यू रेडी? यस, वी ऑल आर रेडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर क्लोज टेस्ट एंड वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द मेन कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। व्हाट इज द थीम, व्हाट इज सब्जेक्ट, अबाउट व्हाट द मीनिंग इज has to be find out, and हमें ये देखना है कि इस क्लोज टेस्ट में ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें क्या पूछा गया है, क्या हमें रिप्लाई देना, और जो सेंटेंसेस है इसके और पूरा पैराग्राफ है उसका सबसे पहले उसका हमें मीनिंग समझना है, उसके अंदर जो हिडन थीम है, हिडन मीनिंग है वो समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to read one by one sentence and we will find out ke which word out of the given word is suitable to be filled in that blank space. okay, ye pata karna hai ki kaun sa blank space kaun sa fit baithega. so first of all we are going to read and understand. sabse pehle hum isko read karenge, samjhenge ki kya hai, kiske bare mein baat ki ja rahi hai, theek hai na? तो एज वी गो थ्रू, जैसे हम इसको रीड करेंगे तो समझ में आएगा कि ये बात की जा रही है अबाउट क्लाइमेट एंड चेंजेस, है ना? तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है और द वर्ल्ड्स क्लाइमेट हैज ऑलवेज चेंज्ड। वर्ल्ड का क्लाइमेट है ऑलवेज चेंज होता है। देयर इज ऑलवेज चेंज because it is natural phenomena and this goes under change and everyone, be it human beings, species, flora and fauna, all are affected by the global change. global changes सभी affected होते हैं और उसके बारे में बात की जा रही है। तो सेंटेंस को वन बाई वन हम रीड करेंगे, then we will try to understand कि इसमें कहां पर कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, सुटेबल होगा, उसको हम फील करते जाएंगे। तो आइए रीड करते हैं वन बाय वन। द वर्ल्ड्स क्लाइमेट चेंज हैज ऑलवेज चेंज्ड। द वर्ल्ड्स क्लाइमेट हैज ऑलवेज चेंज्ड। वर्ल्ड का क्लाइमेट ऑलवेज चेंज हुआ है एंड स्पीसीज हैव इवॉल्व अकॉर्डिंग टू सर्वाइव अकॉर्डिंगली टू सर्वाइव इट। और स्पीसीज अपने को उसी के अनुसार इवॉल्व करती हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइवल। आपने सुना होगा थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो स्पीसीज ग्लोबल चेंज में और जो क्लाइमेट चेंज में अपने को ढाल लेते हैं, खुद को चेंज कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली इवॉल्व करते हैं, वो ही सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी जो इवॉल्व नहीं कर पाते हैं दे बिकम एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो जाती हैं। जो स्पीसीज अपने को नए एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेती हैं वो सर्वाइव कर जाती है, अदरवाइज वो खत्म हो जाती है। द सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट द, अब ये देखिए, द सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट द ब्लैंक स्पेस बिटवीन एवोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ये इसको हम लेंगे फर्स्ट वाले को, नंबर वन जो ब्लैंक है उसमें समझने की कोशिश करेंगे और सेकंड स्पेस ये है, सेकंड ब्लैंक स्पेस है, उसको भी उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसको रिलेट करना है, फर्स्ट को भी सेकंड को भी एक दूसरे से रिलेट करते हुए समझना है कि कौन सा वर्ड यहां आना चाहिए। द सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट द बिटवीन एवोल्यूशन एंड ग्लोबल। तो इवोल्यूशन और ग्लोबल के बिटवीन में क्या हो सकता है, व्हाट वर्ड इज सुटेबल? आइए फर्स्ट में देखते हैं ऑप्शन में डिफरेंस मतलब अंतर, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार, लाइकली, आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है? लॉज
लॉजिक डिस्कशन है ना, और बहस, जिसको बहस बोलते हैं, रिलेशनशिप, संबंध और अलायंस। अलायंस माने होता है यूनिटी, संगठन। तो कौन सा वर्ड इसमें फिट बैठ रहा है, विच इज द राइट वर्ड दैट कैन बी यूज हियर। द सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट द बिटवीन एवोल्यूशन एंड ग्लोबल, तो इसमें से हमें राइट वर्ड चूज करके इसमें फिल करना है। अंडरस्टैंड, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस नहीं है यहां पर, डिफरेंस नहीं आ सकता यहां पर, डिफरेंस का नहीं, कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है। सिमिलरली, सिमिलरली तो आएगा ही नहीं, बिकॉज ये तो एडवर्ब है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यहां नहीं आ सकता, आर्ग्यूमेंट का कोई इसमें संबंध नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहां पर कोई भी। देन रिलेशनशिप, यस रिलेशनशिप में भी, रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन एवोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, एवोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का रिलेशन है। ये देखिए, ये फिट आएगा, ये सुटेबल वर्ड है इन ब्लैंक स्पेस नंबर वन। तो हो गया हमारा, द सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। देन वी गो टू सेकंड ब्लैंक स्पेस, दैट इट इज नॉट लाइनियर। अब यहां पर वार्मिंग के बाद ये ब्लैंक स्पेस है, इसको हम रीड करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, फिर देखते हैं इसमें कौन सा सही आ रहा है। बीइंग, वार्मिंग बीइंग, दैट इट इज बीइंग, सीम्स बीइंग, वार्मिंग बीइंग, दैट बीइंग नहीं आएगा यहां पर, नो। सीम्स, सीम्स माने प्रतीत होता है, वार्मिंग सीम्स दैट इट इज, नो। ये भी नहीं है, एलिमिनेटेड। मेनली, मेनली आएगा, मेनली वार्मिंग, मेनली दैट, नहीं नहीं मेनली नहीं आएगा। बिसाइड्स, बिसाइड्स भी नहीं आएगा। इज आएगा, बिकॉज यहां लिंकिंग वर्ब है, इज आएगा, ये सुटेबल वर्ड है। अब हम इसको दोबारा रीड करते हैं, समझ में आ जाएगा। द सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इज दैट इट इज नॉट लाइनियर। अब लाइनियर के बाद टेम्परेचर आ गया, ठीक है, टेम्परेचर्स अलोन आर नॉट। यहां पर हमें तो रिलेशन को फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड इसमें सुटेबल आएगा। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। हाउ एवर आ सकता है क्या नंबर थ्री में, दैट इट इज नॉट लाइनियर। हाउ एवर टेम्परेचर, नो। हाउ एवर इज नॉट सुटेबल, ये रिजेक्टेड है। देन वी हैव माउंटेड, माउंटेड लाइनियर, माउंटेड नहीं, माउंटेड भी नहीं है, माउंटेड या फिट नहीं बैठता। लाइनियर माउंटेड टेम्परेचर क्या होता है, माउंटेड नहीं होता टेम्परेचर, कभी माउंट थोड़ी ना होता है। सो इट एलिवेटिंग, एलिवेट तो फिजिकली किसी को एलिवेट करना है, वो नहीं। इंक्लाइनिंग, इंक्लाइनिंग भी नहीं है। तो यहां होगा राइजिंग, क्या होगा राइजिंग टेम्परेचर, बिकॉज ग्लोबल चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो टेम्परेचर भी राइज करता है, अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है। तो राइजिंग यहां सही वर्ड है, राइजिंग इससे रिलेटेड वर्ड है। दैट इट इज नॉट लाइनियर राइजिंग, जो राइजिंग है उसकी टेम्परेचर की, वो लाइनियर नहीं है, मतलब एक लाइन में सीधी नहीं है, ठीक है, उसका उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, लाइनियर नहीं है बिल्कुल भी। सो यहां लाइनियर राइजिंग हो जाएगा, ठीक है, लाइनियर राइजिंग, उसकी राइजिंग कैसी है, लाइनियर नहीं है। टेम्परेचर्स अलोन आर नॉट, नॉट के बाद फिर स्पेस दिया हुआ है, अब इसको हमें फाइंड आउट करना है, नॉट ऑफ एवोल्यूशन। सो हम नंबर फोर में देखते हैं कि कौन सा वर्ड सूट करेगा। मींस, मींस आ सकता है क्या,
टेम्परेचर्स अलोन आर नॉट, नहीं मीन्स नहीं आएगा, और ट्रिगर्स को आगे बढ़ाता है, बूस्ट, जैसे बूस्ट होता है बूस्ट, इसको स्पीड अप करना, तो यहां ये भी नहीं आएगा वर्ड, टेम्परेचर्स अलोन आर नॉट, नो ये ट्रिगर्स भी नहीं आएगा, क्योंकि आर यहां दिया है आर नॉट, फिर ये क्या ट्रिगर्स नहीं आएगा, ट्रिगर तो वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, एस लगा हुआ है और यहां आर भी लगा हुआ, तो ये तो आएगा ही नहीं, मीन्स भी नहीं आएगा, आर नॉट मीन्स, सिमिलरली आर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां आएगा रेस्पॉन्सेस, टेम्परेचर का कोई रेस्पॉन्स रिवोल्यूशन नहीं है, ये रेस्पॉन्स वर्ड सही नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट, ये देखिए थ्रेट्स, दिस इज ऑल्सो नॉट सुटेबल वर्ड हियर, डीवी सुटेबल नहीं है, स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स, स्टिमुलस क्या होता है, उत्प्रेरक, उसको आगे बढ़ाने वाला है ना, तो स्टिमुलस सही है, उत्प्रेरक, स्टिमुलस, सो ये हो गया दैट इट इज नॉट लाइनियर, ठीक है, लाइनियर के बाद हो गया था लाइनियर, राइजिंग टेम्परेचर्स अलोन आर नॉट स्टिमुलस ऑफ रिवोल्यूशन, यहां स्टिमुलस वर्ड आएगा, ठीक है, ये स्टिमुलस हो गया, देन आगे और वर्ड है, आगे सेंटेंस है, उसको देखते हैं उसमें क्या आएगा, इवोल्यूशन इज ऑल्सो द, इवोल्यूशन कहते हो विकास, इवोल्यूशन इज ऑल्सो, इवोल्यूशन विकास या ग्रोथ है ना, इवोल्यूशन इज ऑल्सो द ऑफ सेकेंड सीजनल चेंजेस, अब यहां फिफ्थ में आ जाइए, रिजल्ट क्या दिया, प्रिकर्सर रेजिस्टेंस कॉज, क्या आ जाएगा, इवोल्यूशन इज ऑल्सो द कॉज ऑफ सीजनल चेंजेस, इवोल्यूशन होता है वो भी कॉज ऑफ सीजनल चेंजेस है, सो राइट वर्ड इज कॉज, सुटेबल वर्ड इसमें कॉज आएगा, इवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉज ऑफ सीजनल चेंजेस, इसी तरह आते क्वेश्चन एग्जाम्स में, इंग्लिश के क्वेश्चन में ये जो आता है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं क्लोज टेस्ट का, इसमें इसी टाइप के बहुत सारे वर्ड्स दिए रहते हैं, एंड दैट यू हैव टू फिल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, जो चॉइस आपकी दी है उसमें सोच समझ के फिल करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि नाउन आएगा कि वर्ब आएगा, कौन सा सूटेबल है, एडजेक्टिव आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसी को फिल करते हैं, तो इसको समझना जरूरी है, पहले उसका सेंस समझना जरूरी है, सेंस समझने के बाद फिर उसका आंसर देना होता है हमें, और वर्ड का सही मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सुटेबल वर्ड फिल कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं मैक्सिमम वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव करनी है, ग्रामर वोकैबुलरी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहां तक हो गया हमारा, अप टू फिफ्थ इट इज कंप्लीट, एज अ एनवायरमेंट, अब यहां सिक्स वाले में देखिए, एज अ एनवायरमेंट दोज स्पेसिस विच डोंट अडेप्ट, अब एज द एनवायरमेंट सिक्स में आप आ जाइए, इसमें यहां स्पेस में क्या आएगा, कंजर्व्स, इसका मतलब टू कीप सेफ, बचा कर रखना, तो ये नहीं आएगा, स्टफल्स, स्टफल्स भी नहीं आएगा, क्या है प्रिडिक्ट्स, क्या प्रिडिक्ट्स आ सकता है क्या, नो नहीं आएगा, प्रिडिक्ट अनसुटेबल है, एज द एनवायरमेंट प्रिडिक्ट्स दोज स्पेसिस, स्पेसिस को वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा, एनवायरमेंट का काम उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ी है, चेंजेस इमर्जेस, चेंजेस हो जाता है, तो सही वर्ड है चेंजेस, सुटेबल वर्ड है
एनवायरनमेंट चेंजेस, ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, दोज स्पीसीज विच डोंट अडेप्ट, तो जो स्पेसी जो अपने को एडेप्ट नहीं करती हैं। अब यहां पे सेवंथ में देखिए, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कंटिन्यू आएगा क्या? नहीं, जो एडेप्ट नहीं करेगी वो कंटिन्यू नहीं रह सकती है। ऊपर दिया हुआ है ना कि जो स्पेसीज चेंज को एडेप्ट नहीं करती हैं वो हैव इवॉल्व अकॉर्डिंग टू सर्वाइव इट, तो उसका तो मीन सेंस पहले दे दिया गया है, तो ये वर्ड नहीं आएगा कि जो अपने को एडेप्ट नहीं करेगी इसमें चेंज में वो सर्वाइव नहीं कर सकती, तो डोंट एडेप्ट तो ये वर्ड नहीं आएगा, ये वाला कंटिन्यू वर्ड रिजेक्टेड। हॉल्ट, हॉल्ट भी नहीं आएगा, हॉल्ट इज नॉट सुटेबल हियर। देन देखिए प्रेडिक्ट्स, ये भी नहीं है, और ये क्या टर्मिनेट, और टर्मिनेट माने तो हो जाता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। देन डिसकंटिन्यू, तो यहां सही वर्ड आएगा डिसकंटिन्यू, बिकॉज डिसकंटिन्यू इज द राइट वर्ड हियर। दोज स्पीसीज वी डोंट अडेप्ट डिसकंटिन्यू टू एग्जिस्ट, उनका अस्तित्व डिसकंटिन्यू हो जाता है, समाप्त होने लगता है, उनका अस्तित्व समाप्त होने लगता है, डिसकंटिन्यू होने लगता है, ठीक है। दिस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक। नेक्स्ट, बट द शियर ब्लैंक ऑफ मैन मेड क्लाइमेट चेंज टूडे इज, तो शियर क्या है? शियर के बाद आठ में इसमें कौन सा आएगा? शियर लक, लक का कोई इसमें मैटर नहीं करता, क्लाइमेट चेंज में लक इज नॉट सुटेबल वर्ड, तो ये रिजेक्टेड है। वैल्यू, वैल्यू भी नहीं आएगा। कोलैप्स, फेस, अटेंशन, बट द शियर ऑफ मैन मेड क्लाइमेट चेंज टुडे इज, तो शियर में आएगा लक, नहीं आएगा, लक इज ये रिजेक्टेड हो गया। शेयर एक नेगेटिव सेंस में है ना, इसलिए बट द शेयर कोलैप्स ऑफ मैन मेड क्लाइमेट चेंज टुडे इज, तो यहां आएगा सी आएगा कोलैप्स, शेयर कोलैप्स ऑफ मैन मेड क्लाइमेट चेंज टुडे इज। अब शियर कोलैप्स ये वो कैसे रहा है कि मैन मेड क्लाइमेट है, अब आजकल आदमी ने नेचर के साथ स्टार्ट कर दिया है, बहुत स्मोक जो है छोड़ा जा रहा है, गैसेस हैं वो हैं एमिट हो रही हैं, उनका एमिशन हो रहा है, उससे क्लाइमेट और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, उससे बहुत क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, तो ये मैन मेड है, ठीक है। दिस इज, तो इसलिए बट सीयर द कोलैप्स ऑफ मैन मेड क्लाइमेट चेंज, तो ये इंसान ही कर रहा, कोलैप्स हो रहा है इसलिए, ठीक है। देन वी गो ऑन टू नेक्स्ट वन, चेंज टुडे इज, अब इसमें देखना है कौन सा वर्ड फिट आएगा। 9A, ये देखिए थ्रेटन्ड है, ये है परस्यूड है, अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब नॉट हैपेंड बिफोर, दिस सच थिंग हैज नॉट हैपेंड बिफोर, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब आदमी ने क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट किया है, मैन मेड है, ये मैन मेड चेंज है, नेचर का चेंज नहीं है, ये मैन मेड है,
तो इंसान उसको छेड़छाड़ कर रहा है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, वो उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो यहां आएगा अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। बट द शियर, यहां आएगा शियर कोलैप्स ऑफ मैन मेड क्लाइमेट चेंज टुडे इज अनप्रेसिडेंटेड। ओके, नाउ अगला सेंटेंस है, बैड थिंग्स आर हैपनिंग एंड बाय वन। बैड थिंग्स हो रही है ना, एंड बाय वन ग्लोबल, अब वन में क्या आएगा, ग्लोबल वार्मिंग कुड रिटर्न। तो यहां पर आएगा फोरकास्ट, चांस, पैटर्न, ओकेजन, इमेजिनेशन। तो यहां राइट वर्ड आना चाहिए, ऑफ मैन मेड बैड थिंग्स आर हैपनिंग एंड बाय वन पैटर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को थ्रेटन, बाय वन पैटर्न या पैटर्न हो सकता है, वन फोरकास्ट ग्लोबल वार्मिंग को थ्रेटन, वन इमेजिनेशन एंड बाय वन ग्लोबल वार्मिंग को थ्रेटन अप टू वन थर्ड ऑफ द स्पीसीज इफ लेफ्ट अनचेक्ड। तो यहां आएगा फोरकास्ट आएगा, नहीं आएगा फोरकास्ट, नहीं आएगा चांस, नहीं आएगा वन पैटर्न आएगा। यहां राइट इसका है पैटर्न, वन पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग कोड पैटर्न अप टू, एक ही पैटर्न जब आता रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग में डेंजर में हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग है वो, उसका बैड इफेक्ट होगा अनचेक्ड, अगर इसको रोका नहीं गया, अगर सेम पैटर्न रहेगा तो, अगर सेम पैटर्न आदमी फॉलो करता है, उसको चेंज नहीं लाता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और स्पेसीज है वो खत्म हो जाएगी, वन थर्ड ऑफ वर्ल्ड स्पेसीज उनके लिए खतरा है। सो ये आपने समझा, ये क्लोज टेस्ट है, ऐसी एग्जाम्स में, हर एग्जाम में ये क्लोज टेस्ट आता ही है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैपन्स, सो वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आगे नेक्स्ट और क्लास में और अच्छी चीज बताएंगे, तो इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और शेयर करें, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, टू बी सक्सेसफुल, दिस इज माई सिंसियर विश, एंड विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, गुड।